फाइंड लेंथ ऑफ द एल्टीट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसकी फिगर बना ली है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी जिसमें तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं इसकी एक साइड है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर साइड है इसकी फाइंड करना है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स ए एम इसका एल्टीट्यूड है इस एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है लेट द इक्विलेट्रल ट्राइंगल ऑफ साइड ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर बी ट्राएंगल ए बी सी ए बी सी इक्विलेट्रल ट्राएंगल है जिसकी एक हर एक साइड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंच है एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड तो एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलिट्रल ट्रायंगल का वही इसका मीडियन भी होता है मीडियन का मतलब ये ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी विच इम्प्लाइज़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बी सी का मिड पॉइंट है विच इम्प्लाइज बी एम इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉइन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर क्योंकि पूरी साइड बी जो है वो ट्वेंटी फोर है और बी का हाफ बी तो बी कितना होगा ट्वेंटी फोर अपॉइंट टू ट्वेल्व सेंटीमीटर अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर पाइथागोरस अप्लाई की जा सकती है इन ट्राइंगल एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं यहाँ एक्स ना भी लेट करें तो भी ठीक है तो एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो ए एम मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए बी है यहाँ पर ट्वेंटी फोर स्क्वायर माइनस ट्वेल्व स्क्वायर तो ये आएगा 576 सेवेंटी सिक्स माइनस वन इक्वल टू फोर तो स्क्वायर जो है अंडर रूड बन जाएगा 432 थर्टी टू इक्वल टू ट्वेल्व अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर विच इम्प्लाइज ए एम एम जो कि अल्टीट्यूड है ए एम इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12 अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर तो ये एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी एक लेट्रोल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड